ओम शांति। 23 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। बच्चे तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। आज की मुरली का प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? बाबा ने उत्तर दिया, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी, बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। प्यार से बाप को याद करना है, प्यार से बाप को याद करना है। आज की मुरली का वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विश्लेषण है, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। बाबा कहते, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले
आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइन स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइन स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।